चैप्टर 4 का डिवीजन पार्ट्स का आज हम लेस टाइप 4 करेंगे। लेस टाइप 4 में के कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं। लुक एट द फॉलोइंग सिचुएशन एंड क्रॉस द सिचुएशन वेयर आर शॉपकीपर मिस कैलकुलेट। ठीक है, जो दुकान वाला होता है वो क्या करता है, गलत कैलकुलेट करता है। हमें बताना है कि उसने सही किया है या गलत किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रेया बाउट 3 पेयर्स ऑफ सॉक्स इच 4 रुपीज़ 32। ठीक है, श्रेया क्या करती है, 3 पेयर सॉक्स खरीदती है, मीन्स जोड़े भी खरीदती है, और उसमें 1 सॉक्स जो होता है वो 30 रुपीज़ का होता है, सॉरी 32 रुपीज़ का होता है। शी गेव अ 100 रुपीज़ नोट टू द शॉपकीपर, और वो क्या करती है, दुकान वाले को 100 रुपीज़ का नोट देती है। द शॉपकीपर रिटर्न अबाउट 20 टू हर, तो शॉपकीपर क्या करता है, उसे 20 रुपीज़ रिटर्न करता है। तो क्या ये सही है या गलत है, ये गलत है। बट वाई, क्यों गलत है ये, क्योंकि एक पेयर 30 रुपीज़ का, 32 रुपीज़ का था। ठीक है, तो 3 पेयर्स कितने के होते, 32 में आप क्या करोगे, 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 96 आएगा। ठीक है, तो उसे 100 में से 96 को क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था, तो उसके पास कितने रुपये बचते, 4 रुपीज़। बट उसने कितने दिए, 20 रुपीज़ दिए, कितना क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। सेकेंड है आपका, अरुण बाउट 6 नोटबुक्स इच 4 रुपीज़ 48, ही गेव ₹500 टू द शॉपकीपर, द शॉपकीपर रिटर्न अबाउट 50 टू हिम। ठीक है, इसमें क्या है, ये अरुण जो होता है वो क्या करता है, 6 नोटबुक्स खरीदता है, मीन्स कॉपियाँ खरीदता है जिसमें वो लिखने के लिए, तो इच 4 रुपीज़ 48, उसमें से एक कॉपी जो होती है वो 48 रुपीज़ की होती है, और उसे वो 500 रुपीज़ शॉपकीपर को देता है, तो शॉपकीपर क्या करता है, उसे 50 रुपीज़ रिटर्न करता है। तो ये क्या है, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि 50 रुपीज़ नहीं, उससे ज़्यादा पैसे उसे देने चाहिए थे। थर्ड पॉइंट है आपका, ईशा बाउट, इसमें भी आप क्या करेंगे, 48 में आप 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ईशा बाउट 2 बास्केट्स ऑफ फ्लावर्स, ईशा क्या करती है, इसमें 2 बास्केट खरीदती है फ्लावर्स के, इच ₹101, उसमें से एक क्या होता है, एक बास्केट होता है वो 101 का होता है। शी गेव ₹300 टू द शॉपकीपर, और वो 300 रुपीज़ शॉपकीपर को देती है। तो द शॉपकीपर रिटर्न अबाउट 100 टू हर, ठीक है, शॉपकीपर क्या करता है, उसे 100 रुपीज़ रिटर्न करता है। तो ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि जब 1 बास्केट 101 का था तो 2 बास्केट 202 के होते, और उसने 300 रुपीज़ दिए, तो उसने 100 रुपीज़ वापस किए, जो कि नहीं करने चाहिए थे और कम करने चाहिए थे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये भी गलत है। सिमन वांट टू बाय सम ज्वेलरी टू द स्मॉल, ठीक है, सिमन क्या करती है, ज्वेलरी शॉप जाती है, कुछ ज्वेलरी को खरीदती है। सी टूक ₹900, ठीक है, और जिससे वो 900 रुपीज़ की खरीदती है। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ इयर रिंग कुड शी बाय, ठीक है, तो उसने कितने पेयर्स इयर रिंग्स खरीदे, इफ द कॉस्ट ऑफ इच पेयर ऑफ इयर रिंग वॉज 30 रुपीज़, जिसमें कि एक पेयर जो था वो 30 रुपीज़ का था। तो हम क्या करेंगे, 900 में 30 का डिवाइड कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि उसमें एक पेयर जो है वो कितने रुपीज़ का है। तो लुक एट दिस, ये देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, 900, ठीक, 900 रुपीज़ उसने दिए, और एक पेयर जो था वो 30 रुपीज़ का था। ठीक है, तो उसने टोटल कितने पेयर खरीदे, उसने जो पेयर खरीदे वो देखिए, 30 × 9 होता है, तो 30 × 90 कट हो जाएगा। ठीक है, मीन्स 30 × 3 × 90 आया, 30 × 3 = 90। ओके, अब यहाँ पे क्या बचता है, 0। अब 0 हमारा कोई डिजिट नहीं है, ये डिवाइड कैसे होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे। ठीक है, 0 लगा के हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारे पास कोई डिजिट नहीं बचेगा। ठीक है, आप उसने कितने पेयर्स खरीदे, टोटल 30 पेयर्स खरीदे। ठीक है, यहाँ पे आपका लेस टाइप 4 कंप्लीट आता है। उसके बाद आपका आता है वर्ड प्रॉब्लम, लेट्स फाइंड आउट वर्ड प्रॉब्लम। फिर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें है 750 एप्पल्स आर पैक्ड इन इच बॉक्स, हाउ मैनी एप्पल्स आर पैक्ड इन इच बॉक्स। ठीक है, 750 एप्पल्स आर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस में 750 एप्पल्स हैं, तो 1 में कितना होगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, 25 से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि दिस 25 बॉक्सेस हैव 750 एप्पल्स एंड 1 बॉक्स हैज 750
750 डिवाइडेड 25 एप्पल्स, ठीक। 25 से हम 750 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 23 टाइम्स में देखिए 25 से 50 और 3 टाइम्स में 75 कट जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे जीरो बचा है, अब जीरो को डिवाइड कोई डिजिट नहीं है जो हम डाल के उसके अंदर डिवाइड कर सकते हैं, हम क्या करेंगे जीरो लगा देंगे, एंड ऐसे जीरो लगा के हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आंसर है, ठीक है। कितना आंसर आया हमारे पास, 30 आंसर आया। 25 वन बॉक्स है 750 एप्पल्स, हमने 25 से 750 को डिवाइड किया है और हमारे पास 30 एप्पल्स बचे हैं, ठीक है। 30 एप्पल्स हमारे पास आते हैं, एक बॉक्स में 30 एप्पल्स होंगे। उसके बाद आपका आता है लेट्स ट्राई 5। लेट्स ट्राई 5 में देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्का हैज 495 फोटोग्राफ्स टू पुट इन एन एल्बम, ठीक है। अल्का क्या करती है, अल्का के पास एक एल्बम होती है, जो फोटो का मतलब एल्बम होता है, उसमें 495 एल्बम्स होती हैं। शी कैन पुट 9 फोटोग्राफ्स ऑन ईच पेजेस, ठीक है, उसमें एक पेज में 9 फोटोग्राफ्स होती हैं। हाउ मैनी पेजेस कैन शी फिल, तो उसने 495 में कितने पेजेस फिल किए, मीन्स जब एक पेज में कितने हैं 9 फोटोग्राफ्स, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो कि ईच पेजेस फोटोग्राफ्स कितना 9, ठीक है, ईच पेजेस एल्बम और ईच एल्बम, ठीक है, ईच पेजेस एल्बम में यहाँ पे आप लिखेंगे पेजेस पेज, ठीक है, फोटोग्राफ ऑन ईच पेज, एक पेज में 9 फोटोग्राफ्स, ठीक है, और टोटल एल्बम में 495, तो 495 में 9 का क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो 95 से कितना होता है 45। आप लोग टेबल को तब तक काउंट करेंगे जब तक आपके पास जो डिजिट है वो ना आ जाए, अगर उस टेबल में वो डिजिट नहीं है तो आप क्या करोगे एक डिजिट कम ले लोगे, ठीक है। अगर हम इसको 6 टाइम में लेते हैं तो कितना आता 54, 54 क्या है 49 से लार्जेस्ट है, तो हम क्या करेंगे 5 टाइम में लेंगे 45, ठीक है। आप देखिए ये इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 एंड 45 हमारा उतर जाएगा, ठीक है। अब 9 माइनस 45, देखिए हमारे पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा है और हमारे पास आंसर कितना आया है 55, ठीक है। तो कितने पेजेस में उसने टोटल लगाया है 55 पेजेस में उसने सारे फोटोग्राफ्स को लगाया है, ठीक है। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन आपका है अ लेडी पेड रुपीज़ 900 फॉर 15 कैंस ऑफ अ कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। एक लेडी क्या करती है, जो कोल्ड ड्रिंक की कैंस आती हैं उन्हें खरीदती हैं और 900 रुपीज़ पे करती हैं, कितना 15 कैंस का, ओके। हाउ मच डिड शी पे फॉर ईच कैन, तो वो एक कैन का कितने रुपीज़ पे करेंगी। दिस क्वेश्चन अ लेडी पेड कैंस ऑफ अ कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, तो वो कितने रुपीज़ पे करती हैं, रुपीज़ 900, एंड हम क्या करेंगे 15 से हम डिवाइड कर देंगे एक कैन का, ठीक है। इन्होंने बताया है कि 15 कैंस का 900 पे किया है, तो वन कैन का कितना होगा, शी पे फॉर ईच कैन, तो एक पे का वो कितना पे करेंगी, तो हम क्या करेंगे 15 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 15 फोर जा, ठीक है, कितना होता है 15 फोर जा, हम 6 टाइम में लेंगे, ठीक है, 15 सिक्स जा 90, ओके, 15 सिक्स जा 90, देखिए 90 हमारा पूरा कट जाता है, क्या बचता है हमारे पास 0, ये 0 उतरेगा, अब 0 तो 15 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 को उतार देंगे, जब 0 डिवाइड नहीं होता है तो ये 0 उतर जाती है एंड ये 0 ख़त्म, ओके। अब हमारे पास कितने हैं 60, तो पर कैन के उसने कितने रुपीज़ पे किए, 60 रुपीज़ पे किए, ओके। आपको देखिए लार्जेस्ट डिजिट दिया हुआ है, रुपीज़ टोटल कितने पैसे पे किए हैं, 15 कैंस का पे किया है, वन कैन का आपको निकालना है, तो आपने क्या किया है, आपने उसको डिवाइड कर दिया है, तो वन कैन का कितना आया है रुपीज़ 60, ठीक है, एक कैन का 60 रुपीज़ आया है। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है,
अ सैटेलाइट मेड 496 ऑर्बिट्स, ठीक है, द अर्थ इन द मंथ ऑफ जनवरी, एक उपग्रह ने जनवरी के महीने में पृथ्वी के चारों ओर 496 परिक्रमाएं की। हाउ मैनी ऑर्बिट्स डिड इट मेक इच डे इफ इक्वल नंबर्स ऑफ ऑर्बिट्स वेयर मेड इच डे, ठीक है, तो यदि प्रत्येक दिन समान संख्या में परिक्रमाएं की गई तो प्रत्येक दिन उसने कितनी परिक्रमाएं की। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए, अ सैटेलाइट मेड ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ 496, ठीक है, टोटल उसने इतने राउंड किए हैं। डेज मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी में कितने, देखिए यहाँ पे सिर्फ सिंगल डिजिट दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान समझने की ज़रूरत है, बस मंथ आपको दिया है जनवरी, तो जनवरी के महीने में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं, ओके, तो 31 डेज को हम क्या करेंगे, 31 को 496 से हम डिवाइड कर देंगे। अब ये देखिए कि ये तो इतना लार्जेस्ट डिजिट है, 31 का टेबल तो हमें आता नहीं, तो हम कैसे करेंगे इसे, 31 का टेबल है किसी को लर्न, बताइए, नहीं, तो हम क्या करेंगे, आप लोग क्या करते हो, 20 तक टेबल लर्न करते हो, 25 तक करते हो, बट 31 तो लार्जेस्ट डिजिट हो गया ना, तो 31 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अलग से हम क्या करेंगे सॉल्व करने का इजी तरीका, आप इसको 31 को 1 से करेंगे तो 31 ही आएगा, 2 से करेंगे तो 62 आएगा, इसी तरीके से आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख लेंगे 3 टाइम्स में, 4 टाइम्स में, 5 टाइम्स में, अगर लार्जेस्ट डिजिट आता है 49 से तो आप क्या करेंगे कम कर देंगे, और अगर कम आता है तो हम इसे 1 टाइम में लेंगे, क्योंकि जब हम 2 टाइम्स में लेंगे तो कितना आएगा 62 आएगा, तो 62 49 से लार्जेस्ट हो जाएगा, तो हम 1 टाइम में लेंगे, 31 वन ज़ा 31, ओके, अब 9 से हम 1 माइनस करेंगे तो 8, एंड 4 से 3 माइनस करेंगे तो 1, अब हमारे पास 2 डिजिट हैं, अब ये क्या है, 18 जो है वो 31 से स्मॉल है, हम 6 को नीचे लिखेंगे 186, आप हमेशा डिवाइड में ध्यान देंगे कि डिजिट के नीचे ही डिजिट को लिखेंगे, ठीक है, अगर हमारा 6, देखिए हमारा 6 यहाँ है तो ठीक इसी के नीचे ही हम 6 को उतारेंगे, आप इधर या इधर नहीं लिखेंगे। अब 31 में 186 हमें कैसे पता चलेगा कितने टाइम्स में आएगा, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 4 से करके देखिए, अगर हम 6 से करते हैं तो 6 टाइम में कितना आता है 186, लुक एट दिस, तो 16 आंसर हमारा कितना आएगा 16, ठीक है, तो इसने कहा कि उसने पर डे कितने चक्कर लगाए, ठीक है, एक दिन में उसने 16, ठीक है, यहाँ पे इसने पूछा था कि यदि प्रत्येक दिन समान संख्या में परिक्रमाएं की गईं तो प्रत्येक दिन कितनी परिक्रमाएं की गईं, तो प्रत्येक दिन उसने कितनी परिक्रमाएं की 16, तो हमारा आंसर आएगा आपका 16, ओके।